नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको तेज रफ्तार से मिलती है उत्तराखंड की हर खबर। दिन भर का पूरा अपडेट, देश दुनिया की बड़ी खबरों से भी आप होते हैं रूबरू। तो चलिए चलते हैं खबरों के सफर पर। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के अनिल बलूनी जनता के बीच पहुंचकर उन्हें ये यकीन दिलाने में जुटे हैं कि जिस वक्त वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे, तो उस वक्त भी गढ़वाल की जनता की ही फिक्र कर रहे थे। अनिल बलूनी अपनी जिस कैंसर की बीमारी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, उससे बलूनी साल 2019 में जूझे। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने कैंसर की जानलेवा बीमारी का इलाज कराया। करीब 2 साल तक कैंसर से जूझते रहे और आखिरकार कैंसर को मात दी। मौका चुनाव का है तो अनिल बलूनी उस भयानक बीमारी से लड़ाई की कहानी जनता से साझा कर रहे हैं, जबकि विरोधी बलूनी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि जनता के बीच बातें जनता की बुनियादी समस्याओं, हक और विकास की होनी चाहिए, ना कि बीमारी के ऐसे किस्सों की। हरिद्वार सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने खुद को बताया है दो बैलों की जोड़ी। वीरेंद्र ने कहा कि हरिद्वार की जनता की सेवा करने के लिए एक के साथ एक फ्री दो बैलों की जोड़ी मिल रही है, जो हर वक्त उनकी सेवा में हाजिर रहेंगे। वीरेंद्र अपने और पिता हरीश रावत के बारे में बोल रहे थे। उसके साथ बहुत भारी पैकेट जो है वो फ्री में पब्लिक को मिल रहा है, जिस तरीके से वो हमारे देसी भाषा में कहते हैं कि दो बैलों की जोड़ी है, दोनों आपकी सेवा में, थारी सेवा में हंडो फिर हो जाएंगे। वीरेंद्र अपने पिता और पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ मिलकर हरिद्वार सीट पर प्रचार कर रहे हैं। वीरेंद्र जनता का भरोसा जीतने में जुटे हैं, तो हरीश रावत बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव में सेलिब्रिटीज को उतारने पर भी तंज कसा। जिनको केवल आप ग्लैमर के लिए उतारने का काम कर रहे हैं, रातों रात कहीं से कहीं फिट कर दे रहे हैं, तो वो संसदीय लोकतंत्र का उपहास है। चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफों का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के बड़े नेता महेश चंद्र शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। महेश चंद्र शर्मा नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में आने वाली काला डूंगी विधानसभा सीट से 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और सांसद नरेश बंसल ने महेश चंद्र शर्मा को पटका पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई। पीएम मोदी 2 अप्रैल को रैली करने रुद्रपुर आ रहे हैं। रैली के जरिए मोदी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट के लिए वोट जुटाएंगे। रुद्रपुर के जिस मैदान में पीएम की रैली होने वाली है, वहां तैयारियां अंतिम दौर में है। सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। पीएम की सुरक्षा के लिए रुद्रपुर में कमांडोज की तैनाती के साथ एंटी ड्रोन यूनिट भी तैनात की गई है। पीएम मोदी रुद्रपुर से उत्तराखंड में हुंकार भरेंगे, तो स्टार प्रचारक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पिथौरागढ़ और विकास नगर से प्रचार की शुरुआत करेंगे। नड्डा की रैली 3 अप्रैल को होगी। इसके बाद 4 अप्रैल को नड्डा बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र रावत के लिए हरिद्वार में रोड शो करेंगे, संत समाज से भी मिलेंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है। रुड़की में बीएसपी प्रत्याशी मौलाना जमील कासमी का चुनाव दफ्तर खुल गया है। जमील हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जमील जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि अगर हरिद्वार ने उन्हें सांसद बनाया, तो वो हरिद्वार के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बाहरी होने के आरोपों को भी जमील ने नकारा है और कहा है कि वो कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं है, उनका घर उत्तराखंड की सीमा से सटा है और वो यहाँ की जनता के साथ हर वक्त रहेंगे। मैं तो यही मंगलोर, ये पुरकाजी मेरा घर है, ये मंगलोर विधानसभा से मिली हुई है, डॉल इसके डॉल, मेरा घर मंगलोर में भी है, और ये जो विधानसभा है खानपुर, इससे मेरी विधानसभा जो है मीरापुर विधानसभा के, वो डॉल उधर से मिली है, और मेरे तो सारे रिश्तेदार, कोई गाँव ऐसा नहीं, मैं तो महरम हूँ, गैर महरम नहीं हूँ। उत्तराखंड के 93,000 से ज्यादा सर्विस मतदाताओं के लिए ई पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बार गढ़वाल सीट में सबसे ज्यादा 34,000 सर्विस मतदाता होंगे। अपर मुख्यालय निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया को ये जानकारी दी है। उनके मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए सर्विस मतदाताओं की संख्या 93,187 है, जिसमें टीरी सीट पर 12,862, गढ़वाल सीट पर 34,845, अल्मोड़ा सीट पर 29,105, नैनीताल सीट पर 10,629 और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 5,706
46 सर्विस वोटर चिन्हित किए गए हैं। आयोग के मुताबिक चुनावी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वेबकास्टिंग के अलावा पोलिंग बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर और वीडियोग्राफर की व्यवस्था भी की जा रही है। हम विभिन्न प्रकार से चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए उस पर उसकी सही पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम कुछ पोलिंग स्टेशन पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती करते हैं, कहीं पर हम लोग वीडियोग्राफर्स की पोस्टिंग करते हैं और कहीं पर हम वेबकास्टिंग की व्यवस्था करते हैं। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने मसूरी में पद्मश्री पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड से उनके घर जाकर मुलाकात की। निशंक ने रस्किन बॉन्ड से साहित्य से जुड़े कई बिंदुओं पर लंबी चर्चा की। हिमालय में लेखक गांव के निर्माण को लेकर भी रस्किन बॉन्ड का सहयोग मांगा, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की। निशंक के मुताबिक पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने के लिए हिमालय में लेखक गांव की परिकल्पना की जा रही है, ताकि इसका लाभ समाज को मिले। लेखक गांव में देश और दुनिया से आने वाले श्रेष्ठ लेखकों को जुटाकर हिमालय की संस्कृति, पर्यावरण और प्रकृति आदि पर लेखन किया जाएगा। हम हिमालय में एक लेखक गाँव की जो परिकल्पना की है अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि उनके मन में था कि लेखक का सम्मान नहीं है और ज़रूरत है इस समय लेखकों को एक साथ जुट करके उनकी रचना धर्मिता को पूरी ताकत के साथ कैसे करके हम समाज के उपयोग में ला सकते हैं। देहरादून के एसडीआरएफ मुख्यालय जॉली ग्रांट में 171 नागरिक पुलिस के जवानों की 9 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। मुख्यालय में रविवार को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक पुलिस के सभी 171 रिक्रूट जवानों ने हिस्सा लिया। इन सभी जवानों को शस्त्र प्रशिक्षण के अलावा कानून और साइबर क्राइम से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी गई है। 9 महीने 14 दिन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये जवान उत्तराखंड पुलिस में अपनी सेवाएं देंगे। आप यही कह रहे हैं कि ये चुनाव और उसके बाद की सभी प्रक्रियाओं के लिए हमारे पास जो पुलिस फोर्स में एक बहुत बड़ी कमी थी, जो कि अभी दूर हुई है, तो अभी हम लोग चार धाम यात्रा हो या उसके बाद तमाम, देखिए आपदा ग्रस्त हमारा प्रदेश रहता है, तमाम ऐसे बारिशों के समय में हमें कई बार सेवा का मौका मिलता है पहाड़ों पर, तो उसमें हमारे आरक्षी ये कार्य अपना सब बंद करते हैं। चमोली जिले के नंदा देवी नेशनल पार्क के पास दुर्लभ हिम तेंदुए की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। वन विभाग ने पार्क वाले पूरे इलाके में 70 ट्रैप कैमरे लगाए हैं। इन्हीं में हिम तेंदुए की तस्वीरें कैद हुई। इसके अलावा दुर्लभ कस्तूरी मृग और मोनाल समेत कई वन्य जीव जंतुओं की तस्वीरें भी मिली है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के सर्वे के मुताबिक नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में 33 हिम तेंदुए मौजूद हैं, जो वन विभाग के लिए एक अच्छी खबर है। हिम तेंदुए 15,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र में जब अधिक बर्फबारी होती है, तब हिम तेंदुए निचले इलाकों की तरफ आ जाते हैं। सीमांत नीति घाटी में टिम्बरसैंण महादेव के दर्शन के लिए उमड़ रही है भक्तों की भीड़। चमोली के जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर नीति घाटी में टिम्बरसैंण महादेव बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजे हैं। भारी बर्फबारी वाले 6 महीने बीतने के बाद नीति गांव में भोटिया जनजाति के लोग अब अपने घरों में लौटते हैं, तो ये सीमांत गांव के लोगों से भर जाता है। लोग दूर दराज से शिवलिंग के रूप में टिम्बरसैंण महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। यूके न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड।